तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, फुकरे 3 धमाल मचा रही है। देखो ऐसा है कि जवान की आंख के सामने सब ठंडे पड़ गए, वो चीज़ हम देखते भी आ रहे हैं। कितनी OTT पर मूवीज रिलीज हुई, कितनी वेब सीरीज आई, और कुछ एक मेकर्स ने तो गलती यहाँ कर दी कि थिएटर्स में सीधा रिलीज कर दिया, जबकि उन्हें मालूम है कि जवान जैसा तूफान अभी चल रहा है, जो इसके सामने आएगा ढह जाएगा। और हुआ वैसा ही, विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली ढह गई, और वैक्सीन वॉर जैसी दमदार सुपर फैंटास्टिक कंटेंट वाली मूवी ये भी ना झेल पाई इस तूफान को। लेकिन फुकरे 3 ने इस तूफान को ना कि सिर्फ झेला बल्कि डटकर मुकाबला भी किया है, और छोटी मोटी नहीं, हर दिन बड़ी बड़ी कलेक्शन करते नजर आई है ये मूवी। देखो ऐसा इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि इस फुकरे फ्रेंचाइजी का नाम जो है वो किसी ब्रांड से कम नहीं है, और मेकर्स की समझदारी भी वहाँ काम आ रही है क्योंकि इन्होंने कहानी में कुछ बदलाव करना जरूरी नहीं समझा, और यही बेस्ट भी है, और यही चीज़ बेस्ट पार्ट है इनका, क्योंकि ऑडियंस फुकरे 3 को जिस लाजवाबी के लिए जानती है वही परोस के रखा है मेकर्स ने। कैसे हमने दोनों पार्ट में देखा था कि हमारे लाली चूचा और हनी भाई उड़ता तीर अपने नितंब में लेते रहते हैं, और इन्हें शौक भी है इस चीज़ का, तो इनके लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि आ बैल मुझे मार। तो वही चीज़ तीसरे पार्ट में भी लेके परोसा है, यही चीज़ तीसरे पार्ट में भी देखने को मिली है, जो बाकी के दो पार्ट में हम पहले ही देख के आ चुके हैं, और ज़बरदस्त तरीके से परोसा है मेकर्स ने। चूचा दूसरी तरफ फिर तालियां बटोरने में कामयाब रहा, और ये बंदा इस मूवी का अहम किरदार भी कह सकते हैं हम इसको। दूसरी तरफ पंडित जी उर्फ पंकज त्रिपाठी, ये बंदा इतना बड़ा सुपरस्टार हो चुका है, लेकिन वही चीज़ ना, इस बंदे की जो सिंप्लिसिटी है, जो सपोर्टिंग में कास्ट में भरपूर साथ निभाया है, और यही जादू बिखेर रहे हैं इस बार भी, और यही पसंद भी आता है लोगों को। तो बॉक्स ऑफिस में धमाल काट रही है मूवी। थर्सडे को मैं बताऊं, जब ओपनिंग डे थी इसकी, ओपनिंग डे के कलेक्शन है 8.82 करोड़ का, और फ्राइडे मतलब सेकंड डे पे 7.8 करोड़ आया, सैटरडे मतलब थर्ड डे पे मूवी ने 11.67 करोड़ की ह्यूज कलेक्शन करी है, जबकि यहाँ पर जवान बाय वन गेट वन फ्री का जो ब्रह्मास्त्र मार रही थी, जिसके सामने कोई भी मूवी टिक नहीं पा रही थी, लेकिन फुकरे 3 ने कदम जमा के वहाँ पर न कि सिर्फ कलेक्शन किया बल्कि टक्कर भी दिया, और सैटरडे में 11.67 करोड़ जो कि ह्यूज कलेक्शन है, ज़बरदस्त तरीके से ये खाते में अपनी कमाई लेके आई है। उसका संडे चौथे दिन की बात करें तो 15.18 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन, जबकि सामने इतनी बड़ी मूवी है उसके बाद भी। और दूसरी तरफ वैक्सीन वॉर अलग चल रही है, द ग्रेट इंडियन फैमिली विकी कौशल की अलग चल रही है, गदर 2 अभी भी चल रही है। तो इतनी सारी फिल्मों के होने के बाद भी पहले तो थिएटर में जगह बनाना, उसके बाद अपने हक की जो भी कमाई है निकाल के लाना, कोई कम मामूली बात नहीं। और दूसरा ये भी कि मूवी में कोई इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है, बस जो भी हैं सब सपोर्टिंग कास्ट में इस्तेमाल करे जाते हैं, वही चेहरे इस्तेमाल करके ये मूवी बनाई गई है। तो वही चीज़ कि अंडरडॉग की ये मूवी ज़बरदस्त काम कर रही, ज़बरदस्त कलेक्शन कर रही है। मंडे की बात करें, हॉलीडे था गांधी जयंती की वजह से, तो 11.69 करोड़ का कलेक्शन आया, जो उसका पाँचवा दिन था। और छठे दिन कल एफ द डे की बात करें तो ट्यूसडे में वर्किंग डे होने के बाद भी, और सामने 3-4 मूवियाँ, और जिसमें जवान जैसी दिग्गज मूवी सामने चल रही है, उसके बाद भी कंपटीशन भरपूर मिल रहा है, उसके बाद भी 4.11 करोड़ की ह्यूज कलेक्शन लाती दिखी है। कि जवान का कलेक्शन था कल टोटल नेट इंडियन लगभग 2.5 करोड़ के आसपास, तो उसको बीट डाउन किया और ज़बरदस्त तरीके से किया। तो अभी तक टोटल कमाई ये कल एंड ऑफ द डे तक मूवी पहले 6 दिन में 59.28 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर चुकी है। तो अभी आप लोगों ने मूवी को देख लिया है, तो आपको कैसी लगी है और ये कमाई कितनी कर सकती है? मैं मान के चल रहा हूँ 150 करोड़ तो इजीली टच करके जाएगी, और ज़बरदस्त तरीके से टच करके जाएगी। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या ये मूवी ज़बरदस्त कलेक्शन करके जाएगी, 150 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन कर भी पाएगी या नहीं, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। और हंसने के लिए आप वजह ढूंढ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा ये मूवी आप ही के लिए बनी है, जाके जरूर देखें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।